तो आइए जरा शुरुआत करते हैं अपने वीकली एमसीक्यू के रिविजन की यानी कि पूरे हफ्ते भर में आपने जितनी भी चीजें पढ़ी है उन सबका रिविजन आपके लिए यहाँ पर रहेगा ठीक है तो यहाँ पर हम लोग आज पूरा का पूरा रिविजन करने वाले हैं वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एक बार इसे क्लास के लिंक को शेयर कर दिया करें सबके साथ में सो देट बाकी भी क्लास में ज्वाइन कर पाए करें ठीक है रावण आलेख रिया मौसमी यो अरुण पल्लवी प्रशांत आलेख आदित्य मोहित सीपीयू ये कैसा नाम रखा है तुमने सीआर सेवन संदीप समर पल्लवी प्रताप भोपू ओके गुड मॉर्निंग चलिए तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर और आज आपके बाकी के कौन से क्लासेस हैं उसके बारे में भी आपको बता दें और कल से क्या स्टार्ट होने जा रहा है वो भी आपको बता दिया जाएगा ठीक है चलिए सारा वीक का उम्मीद करेंगे क्या प्रोविजन मार के आए होंगे संगीता मेहनत देवल गौरव लोफर अंजलि प्रबल पलव भवानी खुशबू धीरज मुकेश ऋषिका गुलशन भाई साहब सानिका वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आइए जरा बात करते हैं आज के बाकी क्लासेस के बारे में पहले तो ये कंप्लीट प्रोग्राम आपका आदमी पे चल रहा है आज आपका जो दूसरा क्लास है आज जो दूसरा क्लास है वो शाम को चार बजे रहेगा जहाँ पे हम लोग लास्ट सिक्स मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट टू पढ़ेंगे ये क्लास मैंने शेड्यूल किया था छः बजे लेकिन वो ऐप में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो क्लास नहीं हो पाया था तो मैंने इसको शेड्यूल किया है वही अपने समय पर चार बजे ठीक है दूसरी चीज कल से आपके जो YouTube पे क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं शाम को आठ बजे जहां पे मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एक आइडिया दे दिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपके साथ में हम डिस्कस करेंगे मैंने आपको कल बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ाया था तो अब इसी तरीके से एक एक टॉपिक जो है वो आपके लिए कवर होता रहेगा शाम को आठ बजे जो आपके प्रिलिम्स एंड आपके मेंस दोनों के दोनों एग्जाम्स को कवर करेगा ठीक है ओके

ऐसे तुम लोग हिंदी में लिखते हो ना कि बड़ा फोकस करके देखना पड़ता है कि लिखा क्या है नीतू बलविंदर मोहित रश्मि ऋषिकी आशीष वेरी गुड मॉर्निंग चलिए सो ये टॉपिक्स आपके लिए सुभाष मिष्टू सौम्या और पल्लवी आज कौन सा वाला फंक्शन है आज तुम फंक्शन में नहीं गई हो सुबह सुबह क्लास हाँ सुबह सुबह क्लास चलिए विनायक वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आओ भैया शुरुआत करेंगे मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं कि आपके कल से टॉपिक्स क्या रहेंगे अपने क्लासेस को रेगुलर रखिएगा क्योंकि आप भी जानते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों मैम में आपको जीएस मिलेगी अपना पांडा चल चुका है उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का दिमाग भी सुबह सुबह काम करना शुरू कर चुका है तो आइए शुरुआत करते हैं मौसमी शिवानी प्रवीण अंतर पीतम प्रभाकर कुणाल प्रतिभा गैरी सुजीत वेरी वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है विजय दिवस के बारे में विजय दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है वॉट इज द डेट तो विजय दिवस कब सेलिब्रेट होता है सोलह तारीख तो को सेलिब्रेट होता है सिक्सटीन दिसंबर को सेलिब्रेट होगा ये आप देख सकते हैं ये विजय दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है जब इंडिया और पाकिस्तान 1971 में जब दोनों लोगों की फाइट होती है तो 90,000 से भी ज्यादा जो सोल्जर्स होते हैं पाकिस्तान के वो सरेंडर करते हैं और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अकॉर्ड भी साइन किया जाता है जहां से बांग्लादेश का हैप्पी वाला बर्थडे शुरू होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब जो है ये इसमें से कौन से ग्रुप के द्वारा बनाया गया सत्यजी नीतू गौरव हाँ अवनीश सुजीता अदिति चाइना तनु जिया नाहिदा रश्मि माइकल किरण केडी गोविंद ओके इसका आंसर हो जाएगा जी सेवन के देशों के द्वारा कितने देश हैं? सात देश हैं। इस बार का आयोजन कहाँ पर चल रहा है भाई जर्मनी के पास में इसकी अध्यक्षता है नेक्स्ट ईयर कहाँ होगा 2023 में तो जापान के पास में इसकी अध्यक्षता चली जाएगी अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी कंट्री बाहर हुई है तो ये हो गई कौन सी रशिया फाइन चलिए नेक्स्ट पे आइएगा अगला WHO ने अभी हाल ही में किसको साइंटिस्ट यानी कि चीफ साइंटिस्ट के रूप में नियुक्त किया है ताकि वो कोविड का जो एक प्रॉब्लम है उसका सलूशन दे सके WHO के द्वारा किसका यहां पे अपॉइंटमेंट किया गया हमजा बलविंदर शुष्मिता गौरव दिव्या भूषण जयदेव कल हम गए थे जेके टेम्पल बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ है एंड इट्स ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल और वहाँ पे पता है जो लाइटिंग होती है ना वो भी बहुत प्यारी सी है मैं आपके लिए साथ में उस वीडियो को शेयर करूंगी आप लाइटनिंग देखोगे उन्होंने जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है नागारा स्टाइल होता है ना आप तो जानते ही है तो जो नागारा स्टाइल का उनने शिखर बनाया हुआ है उसके ऊपर यहाँ पे जब लाइटनिंग होगी ना तो वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की पूरी जो पिक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनती है बहुत खूबसूरत वो पिक्चराइजेशन किया गया था मैं आपके साथ में आज वो वीडियो शेयर करूंगी ठीक है देखना आप चलिए इसका करेक्ट आंसर है जेरेमी क्या आंसर है जेरेमी फराट ठीक है ये नाम याद रखिएगा इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है अगर आपसे कहा जाता है कि ये बताइए डब्ल्यू एच ओ हेडक्वार्टर कहाँ है जिनेवा के अंदर कब बना है सेवेंथ ऑफ अप्रैल को बना है 1948. में इसको बनाया गया था अंकल कौन है इसके हेड हो जाएंगे यस मैम आई नो सौम्य सिंह यस मैम एंड सौम्या स्वामीनाथन को ही यहाँ पे रिमूव करके इनका अपॉइंटमेंट किया गया है अगला सवाल बेपोर उठ ये कहा की बोट है ये ये तो सही बात है ये तो सही बात है सर्दी तो कल बहुत थी कि वापस आके मुझे पेन किलर खानी पड़ी क्योंकि हेडेक शुरू हो गया था सर्दी बहुत है अब तो आज यहाँ पे कोहरा भी है केरला केरला बिल्कुल सही बात है ये रही वो खूबसूरत सी बोट मैंने आपको तो बताया था कि ये किससे बनाई जाती है लकड़ी से बनाई जाती है और जब ये बन जाती है तो कितने सालों तक ये एग्जिस्ट करती है करीबन 2000 सालों तक ये एग्जिस्ट करती है कितना टाइम लगता है इसको बनने में एक से लेकर चार सालों का समय इसको बनने में लगता है, ये कहां पे जाती है? तो इस नाम से आपको एक विलेज देखने को मिलता है वहां के कारपेंटर्स के द्वारा इसको बनाया जाता है अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन आई एम रिपीटिंग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कुछ बच्चे क्लास में देरी से ज्वाइन करते हैं और फिर वो अपना सेम सवाल पूछते हैं ओके okay, राइट right, काजल सुनिए मैंने फिर से बोला है कल से शाम को आठ बजे थ्योरी टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर करा दिया है, जो कि आपका और मेंस दोनों को कवर कर रहा है चाहे तुम्हारा जीडी हो चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो क्योंकि अब तीनों के अंदर आपको जीएस हर जगह पे मिलेगी है ना तो ये कल शाम से टॉपिक आपके यही यूट्यूब पे है कल का टॉपिक भी बता दें वैदिक सभ्यता कल का टॉपिक है वैदिक सभ्यता ठीक है फर्स्ट लास्ट ओह माई गॉड ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए द फादर ऑफ द नेशन वॉज अनवील एट विच प्लेस कहां पर इसको अनवील किया गया है इसका आंसर होगा कहां पे न्यूयॉर्क के अंदर न्यूयॉर्क में किस चीज का हेडक्वार्टर है यूएन का हेडक्वार्टर है किसके द्वारा इसको अनवील किया गया तो एस जयशंकर जी और एस जय शंकर जी कौन है ये है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ठीक है इनकी एक किताब भी है The India's Way. The India's Way. ये किताब भी आपसे पूछी जा सकती है नेक्स्ट पे आइएगा और हाँ ये स्टेचू बनाया किसने है तो राम सुधर जी के द्वारा इसको बनाया गया है जिन्होंने स्टेचू ऑफ यूनिटी को बनाया था जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट है जो कि क्या है वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टेचू है अगला इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अभी हाल ही में फ्रांस के अंदर नटराज जी की जो एक ब्रॉन्ज की मूर्ति थी उसको क्या ऑक्शन से बचाया है ट्रेन में पढ़ते हुए जाने का वैसे तो मजा ही कुछ और होता है अड़ोसी पड़ोसी तो वैसे भी परेशान नहीं होते क्योंकि ईयरफोन्स लगाए होते हैं है ना इसका आंसर बनेगा तमिलनाडु नटराज जी की जो मूर्ति है नटराज जी की जो मूर्ति है ये याद रखिएगा कि उन्हें कहा जाता है क्रिएटर ऑफ द म्यूजिक क्या कहते हैं क्रिएटर ऑफ द म्यूजिक भी कहा जाता है या क्रिएटर ऑफ द डांस फॉर्म भी कहा जाता है ये सवाल अभी आप लोगों के पेपर में सीजीएल में पूछा भी गया था ठीक है इसका आंसर क्या है तमिलनाडु अगला इंडिया ने अभी हाल ही में राफेल जो है वो सारे रिसीव कर लिए हैं टोटल कितने आने थे थर्टी सिक्स आने थे पहला बैच जो आया था वो पांच का आया था बाकी बचे थे बाकी सारे आ गए आपको बताना है कि इसको कंस्ट्रक्ट या इसको डेवलप किसने किया है नेम द कंपनी नेम द कंपनी सुषमा धीरज प्रताप शुभी सुजीत लक्ष्य लीतु अदिति तनु डेट्स ऑल कंपनी करेक्ट है सुनिएगा ये जो यहाँ पे आपके सामने एयरक्राफ्ट की बात हो रही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें आपको ट्विन इंजन मिलता है सेकेंड पॉइंट क्या है ये फोर पॉइंट फाइव जेनरेशन का है और अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ से आए हैं तो ये फ्रांस से आए हैं कंपनी कौन सी है डेसॉल्ट है और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ कहाँ पर आए हैं तो ये हो जाएंगे कहाँ पर हरियाणा एंड वेस्ट बंगाल कह रहा मैम ये तो आपने कल ही कराए थे इसीलिए सॉल्व हो रहे हैं अरे दादा अभी आ रहे हैं आगे आ रहे हैं बाकी भी सवाल चलिए अगला सवाल है टेनिस प्लेयर का किसको दिया गया। देखो कितना आंसर सॉल्व करके है सारी खुशी इसी नहीं हो रही है आज बताओ हाँ एक सागर कुमार भैया कह रहे हैं कि कल के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अरे गुड मॉर्निंग आपको नहीं पता है कि आज काय का, का क्लास है अरे देवा आज होता है वीकली एमसीक्यू समझे तो अभी पूरे हफ्ते के चलेंगे अभी कल वाले ही रिविजन है भगवान भला करे हाँ ये कहाँ से बिलोंग करती है तो ये पोलैंड से बिलोंग करती है ये भी याद रखिएगा अगला सेवेंटी सेकेंड नंबर का ह्यूमन सॉरी सेवेंटी सेकेंड नंबर क्यों लिखा है सेवेंटी फोर्थ नंबर का कौन से नंबर का सेवेंटी फोर्थ नंबर का ह्यूमन राइट डे जो है ये कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया गया था हाँ नींद में मेरे को भी लग रहा है अभी नींद में है अभी इसकी नींद ना खुली है इसका आंसर होगा ऑफ ऑफ दिसंबर दिसंबर को ह्यूमन राइट डे जो है वो सेलिब्रेट होता है अगर आपसे कहा जाए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है ये कहा है ये जेनेवा के अंदर है और अगर इंडिया की बात आएगी ह्यूमन राइट right की तो इंडिया में दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और 1993 में बना है कब बना है 1993 में बना है अगला सुखविंदर सिंह सुखू सुखविंदर सिंह सुखू कहा जा रहा है कि कौन से स्टेट के सीएम बने हैं हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश डिप्टी भी बता दो लगे हाथ डिप्टी सीएम भी बता दो फ्रॉम वेस्ट बंगाल कल आपका ओ अच्छा ओडिशा SSC का पेपर था वेलफेयर एक्सटेंशन ऑफिस का आ, आप मेरे को पेपर शेयर कर सकते हो टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे जाना प्रति करेंट अफेयर्स ऑफिशियल के नाम से सर्च करिएगा मिल जाएगा इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश अभी हाल में गुजरात के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं नंबर ऑफ सीट्स याद रखिएगा पेपर में पूछा जाएगा इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर उसकी हाइट और नंबर ऑफ सीट गुजरात के अंदर दोनों की दोनों क्या है सेम है दोनों सेम है ठीक है सेकेंड पॉइंट यहाँ पर कि यहाँ पर दूसरा टर्म सीएम का किसका शुरू हुआ है भूपेंद्र पटेल जी का शुरू हुआ है लेकिन अगर आपसे हिमाचल पूछा जाएगा तो हिमाचल में 68 एट यहाँ पे सीट्स है जिसके ऊपर इलेक्शन हुआ था ये हो गए सीएम और डिप्टी सीएम कौन हो जाएंगे मुकेश अग्निहोत्री कौन है मुकेश अग्निहोत्री नेक्स्ट पे आइए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन पासपोर्ट इंडेक्स एज पर आर्ट एंड कैपिटल एज पर आर्ट एंड कैपिटल आज काठमांडू फेस्टिवल है ना आज क्यों है मतलब अभी तो पिछले दो दिनों से चल रहा है भाई भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत मुझसे ही करे वाह 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 तुम कहां थे इतने दिन से आशीष मौर्य हैं है? कहाँ थे बनारस की घाट में घूम रहे थे कहीं थे कहा तुम तो इतने दिन से ही बताओ जी आंसर सेम होगा जो है पासपोर्ट इंडेक्स में है वही सेम यहाँ पर इसका होगा क्या होगा 87 बनेगा किसी बच्चे ने 74 बोला है नहीं बच्चा ये 87 ही होगा जो आपका हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर है वही सेम आपको इसमें भी देखने को मिलेगा ये है आपका हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स का नंबर वन जापान है नंबर टू सिंगापुर नंबर थ्री क्या है साउथ कोरिया इंडिया की रैंकिंग कितनी है इसमें भी 87 है नेक्स्ट पे आइए इनमें से कौन सा शहर ऐसा है जिसने हाईएस्ट जॉब क्रिएशन का रिकॉर्ड कायम किया है जो भी बच्चे इस वीकली एमसीक्यू के क्लास को पहली बार करते हैं मेहरबानी करके शेड्यूल को लिख लीजिए क्योंकि कल से कसम खा लो कि क्लासेस रेगुलर करोगे सुबह 7:00 बजे रेगुलर आपका करंट अफेयर्स का क्लास यहीं YouTube पे लाइव रहता है कल 12:00 बजे आपका जो टॉपिक है वो है म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट एंड प्लेयर्स मैंने आपको ये टॉपिक थ्योरी में पढ़ा दिया है अनएकेडमी पे अगर आपने क्लास नहीं किया तो कर लीजिएगा कल इसके ऊपर हम क्वेश्चन कराएंगे कहाँ यूट्यूब पे ठीक है और फिर शाम को चार बजे आपका अनएकेडमी ऐप आप पे स्पेशल क्लास होता है ठीक जहां पे आपकी प्लॉलिटी चल रही है और शाम को आठ बजे यूट्यूब पे आपका थ्योरी क्लास स्टार्ट होगा और प्री का कल का टॉपिक है वैदिक सभ्यता क्योंकि मैंने आपको बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ाया है तो कल वैदिक सभ्यता चलेगा ठीक है इसका आंसर क्या है बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर बनेगा नेक्स्ट पे आइए अभी हाल ही में ब्रेंड बैबल की नई स्पीशी पाई गई है कौन सी जगह पे यो 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 <laughs> बताइए ओके सागर। हाँ, पाकिस्तान 94 पे है तो मतलब इसको पाकिस्तान में कितना इंटरेस्ट है इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश क्या है अरुणाचल प्रदेश जहां पे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी ध्यान दीजिएगा वहीं पे आपको नामदफा नेशनल पार्क देखने को मिलता है क्या मिलेगा नामदफा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा नामदफा नेशनल पार्क क्यों जाना जाता है ये जाना जाता है फ्लाइंग स्क्वायर के लिए अगला सवाल बताइए कहा जा रहा है कि हैज बीन स्पोर्ट्स हाईएस्ट इंडिविजुअल ऑनर फॉर द सेकेंड टाइम किसको को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है कोई बात नहीं आशीष हम्म hmm. ठीक है टॉपिक की लिस्ट हम शेयर कर देंगे आज कल ही कर देते बट कल फिर मंदिर गए थे तो फिर टाइम ही नहीं मिला बहुत टाइम हो गया था वापस आते आते हाँ जी इसका आंसर बताइए रोनाल्डो को लिखा किसी ने तो रोनाल्डो लिखा कोई तो था जिसने रोनाल्डो लिखा था हा? इसका आंसर क्या होगा? एशले बार्टी एशले बार्टी इज द राइट आंसर एशले बार्टी को यह अवार्ड दिया गया है और पिछली बार भी इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था ये दूसरी बार है जब इनको ये अवार्ड मिल रहा है ये कौन है ये है टेनिस प्लेयर जो की रिटायरमेंट ले चुकी है अपना और सबसे इम्पोर्टेंट कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो अभी हुआ था 2022 का उसमें विमेन्स कैटेगरी के, के अंदर इन्होंने ही जीत दर्ज की थी और उसमें मेल में यानी कि मेल कैटेगरी के, के अंदर कौन थे नेडाल कौन थे नेडाल ये जो अवार्ड है ये अवार्ड किसके नाम पे है ये है डोनाल्ड ब्रेडमेंट यानी कि द डॉन अवार्ड का नाम है नेक्स्ट बताओ इंटरनेशनल माउंटेन डे इंटरनेशनल माउंटेन डे जल्दी बताओ इंटरनेशनल माउंटेन डे डीआरडीओ का एग्जाम है तो रिवीजन करा दे बेटा करेंट अफेयर्स रिवाइज करा तो रहे लास्ट सिक्स मंथ का करा तो रहे रिवीजन और अभी थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर को पूरे साल भर का एक साथ रिवीजन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा ग्यारह तारीख यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा इलेवेंथ ऑफ दिसंबर नेक्स्ट पे आइएगा इनमें से कौन सा एडिशन है जो अभी हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला का सेलिब्रेट किया जा रहा है केरला के अंदर और इसमें जो फोकस कंट्री रही है वो है सर्बिया सर्बिया से कौन से वाले टेनिस प्लेयर बिलोंग करते हैं तो वो है नोवाक वो है नोवाक बताइए सेवन करेक्ट है कौन सा वाला है ट्वेंटी सेवेंथ एडिशन जो है जिसका आयोजन किया जा रहा है नेक्स्ट पे आइए कहा गया है कि ये बताइए अभी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का किसको अपॉइंट किया गया है किसको अपॉइंट किया गया है आज एक साल हो गया चलिए मुबारक इसका राइट आंसर होगा मिनीश सी शाह क्या नाम है मिनीश मिनीशी शाह इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेट है या पे यूनियन टेरिटरी है जो अभी सबसे ज्यादा हेल्थ कार्ड बनाने के साथ साथ नंबर वन पे आपको देखने को मिला नंबर वन पे देखने को मिला दैट इज वन एंड द ओनली जम्मू एंड कश्मीर कौन है जम्मू एंड कश्मीर ये जो आयुष्मान भारत योजना है इसके अंदर पांच लाख रुपए जो है वो आपको दिया जाता है एज इंश्योरेंस और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी है अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में राजस्थान चिरंजीवी योजना स्टेट में कौन है राजस्थान चिरंजीवी योजना ठीक है चलो नेक्स्ट पे आओ थर्टी नाइन्थ एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पोरेट एक्सरसाइज कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हाँ तुम लोग ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ है अरे तुम लोग कहा भाई इसका आंसर विजैक होगा विजैक होगा। बहुत पीटे जाओगे चिल्ला रहे हो पोर्ट ब्लेयर है हाँ? हफ्ते अभी हफ्ते भर नहीं हुए पड़े हुए तब भी गलत कर रहे हो ये कहा हुआ था इसके कुछ जो थे वो इंडोनेशिया में हुए थे और कुछ जो है वो पोर्ट ब्लेयर में अगला इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने खुद की अपनी क्लाइमेट पॉलिसी लॉन्च की है खुद की अपनी क्लाइमेट पॉलिसी को लॉन्च किया है अच्छा LIC वाले में बताएं, इसका आंसर है तमिलनाडु तमिलनाडु जो है इन्होंने अपनी क्लाइमेट पॉलिसी लॉन्च की है अगर आपसे पूछा जाता है कि किसने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपने स्टेट के लिए लॉन्च किया है वो हो जाएगा महाराष्ट्र क्या है महाराष्ट्र और ये कौन हो जाएगा तमिलनाडु नेक्स्ट पे हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर्स यानी कि टोटल कितने खेलो इंडिया सेंटर्स हैं जिनको बनाया जाएगा और ये जो बनाया जाएगा ये आने वाले अंदर, आ, अगले पंद्रह अगस्त तक बना दिया जाएगा ये अनाउंसमेंट किसने किया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने यह अनाउंसमेंट किया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है अनुराग ठाकुर अनुराग ठाकुर वन थाउजेंड कितने हो जाएंगे सेंटर 1000 सेंटर्स बनाए जाएंगे खेलो इंडिया स्कीम का टारगेट कहाँ तक है 25 से 26 तक का टारगेट है अगला हुन द गोल्ड मेडल एट पेरू पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप इन लाइमा किसने यहाँ पे मेडल जीता है इन लाइमा बताओ आंसर क्या होगा सुकंद okay, कदम करेक्ट कदम यहाँ पे जीता है आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट पे आइएगा फाइनेंस मिनिस्टर जी ट्वेंटी की बैठक जो है वो कहां पर आयोजित की गई ये ध्यान दीजिएगा जो वर्कर्स uh, की मीटिंग है जो वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है वो कंडक्ट की गई है कहाँ पे मुंबई के अंदर जी ट्वेंटी के मेंबर्स की और अगर आपसे पूछा जाता है सेंट्रल बैंक की तो ये बैंगलुरु के अंदर कहा होगी बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया गया है नेक्स्ट आइए सी कहां पर है या रैंकी एरिया कहां पर है बगल में आंटी क्या चाय बन रही है कौ तो मंगवा लें आज शाम को चार बजे अपनी चाय कॉफी लेके क्लास में हाजिरी दीजिएगा शाम को चार बजे आज आपका पार्ट टू जो है वो पढ़ाया जाएगा अभी आपको उसका लिंक भी हम शेयर कर देंगे ठीक है अरुणाचल हाँ, प्रदेश अरुणाचल प्रदेश ठीक है बिल्कुल सही जवाब अरुणाचल प्रदेश ये तवांग वाला एरिया है जहाँ पे अभी हाल ही में क्या हुआ था चाइना ने चाइना के साथ में फेस ऑफ हो गया था अगला इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अभी हाल ही में एक स्टार्टअप जिसका नाम है टेक ईगल इनके साथ में पार्टनरशिप की है ताकि क्या बनाया जा सके पहला ड्रोन डिलीवरी हब हाँ, डेवलप किया जा सके अच्छा तुम एग्जाम दे रही होगी चलो अच्छी बात है एक मैसेज आया है जय चतुर्वेदी क्या हो गया भाई आ, ओके सीजीएल हाँ भाई सीजीएल के देखो मार्क्स वगैरह चेक कर लेना जैसे कि जय जै चतुर्वेदी का भी आया है उसके 155 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं चलिए बताओ उसने सिर्फ हम ही लोगों के साथ में पढ़ा था आप ही लोगों के बीच में बैठ के उसने भी पढ़ाई की थी सब उसने जी के यहीं से पढ़ा था तो आप लोग भी अपने मार्क्स वार्क्स चेक कर लो एक बार से ये हो जाएगा कौन सा मेघालय कौन सा है मे काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल किया जा रहा है अच्छा जितने बच्चों का आज एग्जाम है विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट नेपाल क्या है नेपाल के अंदर इसका आयोजन होगा ऑब्वियसली बात है काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फेस्टिवल है तो ये कहा होगा नेपाल में ही होगा तो नेपाल में इसका आयोजन किया गया है कोची मुजरीज बाइनियल फेयर पर मुजरीज नाम की जगह जो है वो कहां है केरला के अंदर है और ये क्या होता है चार महीनों तक जो पेंटिंग्स हैं उनका एक फेयर चलाया जाता है जो कि दो साल में एक बार ही आपको देखने को मिलेगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा कोची क्या है कोची इज द राइट आंसर ये आपने देखी थी मैंने आपको ये इमेज दिखाई थी अरे हाँ सुनो तो ये तो वही वाली इमेज है ना जहाँ पे तुम लोग मेरी वाली पेंटिंग लेके जाओगे मैंने कितनी अच्छी सी कितनी प्यारी सी कितनी खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई थी कुछ याद आ रहा है भैया जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक अभी तक नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस थर्सडे को एक बार फिर से आपके दो टॉपिक रहेंगे आर्ट एंड कल्चर के स्पेशल क्लासेस में मैंने पेंटिंग्स अभी आपको पढ़ाया है दो पार्ट में अलग अलग अन अकेडमी पे फ्री क्लासेस में वहां मैंने भी एक पेंटिंग बनाई थी मैं क्या सोच रही हूँ ये जो खिड़कियां यहाँ नजर आ रही ना यहाँ पे हम अपनी वाली पेंटिंग लगाएंगे और यहाँ पे जो इतने सारे ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं इसमें तुम लोग की पेंटिंग लगवा देंगे कैसा रहेगा हैं सही रहेगा इतनी सुंदर पेंटिंग मैंने बनाई थी क्या बताए टीजी हम चेक कर लेंगे बच्चा आदि आई विल चेक द टीजी चलिए बताइए नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में सिक्स वंदे भारत जो है इसकी शुरुआत कहां से की है तो ये शुरुआत हुई है कहां से बिलासपुर टू नागपुर कहां से बिलासपुर टू नागपुर ओके नेक्स्ट पे आ जाओ has बीन न्यूली अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी हाल ही में नए जज का अपॉइंटमेंट किया गया है उनका नाम क्या है उनका नाम क्या है उनका नाम क्या होगा दीपांकर दत्ता ये अभी तक कौन से हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस थे तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर अभी तक के चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे अगला इंडियन आर्मी का एरावत डिवीजन के द्वारा संचार बूथ एक एक्सरसाइज है जो कि डोमेस्टिक है इसका आयोजन कहां पर किया गया नेम द प्लेस इसका आयोजन कहां पर किया गया नेम प्लेस फ्रॉम द हार्ट क्रिसमस डे पे क्रिसमस डे पे चलो इसका आंसर होगा पंजाब क्या बनेगा पंजाब इज द राइट आंसर नेक्स्ट पे चलो वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा कौन सा कंट्री बन गया है जिन्होंने अपने यहाँ पे टोबैको को पूरी तरीके से बैन किया है ऐसा करने वाला पूरी दुनिया का सबसे पहला जो देश बन रहा है वो कौन सा है जिन्होंने एक एक्ट को पास किया है तो वो हो जाएगा न्यूजीलैंड क्या है न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ने ही अपने यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के लिए भी एक एक्ट जो है उसको बनाया था नेक्स्ट पे आइए अभी हाल में पीएम स्वानिधि योजना जो है इसको एक्सटेंड किया गया है और पीएम स्वानिधि के अंदर जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को आपसे कहा जाता है कि कब तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 दिसंबर तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है नेक्स्ट पे इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अपने यहाँ पे वनीकरण प्रोजेक्ट hey को लॉन्च किया है वनीकरण प्रोजेक्ट इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जितने भी फॉरेस्ट्री एरियाज हैं उन सबको कंजर्व किया जा सके तो ये लॉन्च किया है किसने केरला ने केरला ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है नेक्स्ट इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ पे अभी पहली बार ऐसे बैंक नोट जारी किए हैं एक और पांच डॉलर के जिसमें क्या है विमेन्स के सिग्नेचर है ऐसा करने वाला कौन सा देश बना है जो कि वहां के क्या है ट्रेजरी सेक्रेटरी कह लो या फाइनेंस मिनिस्टर कह लो यूएसए करेक्ट कौन सा हो जाएगा यूएसए इज द राइट आंसर नेक्स्ट पे आइएगा हाँ साल ट्री थिएटर फेस्टिवल साल ट्री थिएटर फेस्टिवल सवाल में कहा जा रहा है कि ये फेस्टिवल 15 तारीख से शुरू किया गया कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है तो ये है आसाम के अंदर और इसे हम नेचुरल थिएटर फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज जो है वो नेचुरल है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको साल ट्री जो है वो पूरे एरिया में देखने को मिलेंगे तो ये आसाम के अंदर आयोजित किया गया है नेक्स्ट नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है ये हर साल होता है एवरी ईयर ये, ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि एनर्जी को कंजर्व किया जा सके हम्म कंजर्व किया जा सके बताइए यार तुम लोग कभी कभी इतने बड़े बड़े मैसेज लिखते हो ना कि मुझे रोक के पढ़ना पड़ता है सीजीएल में पूछे गए सभी जीके के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन जो है वो टीजी पे शेयर कर दें ओके okay, मुझे एक दो दिन का टाइम दो क्योंकि कंटेंट मैंने टीजी पे शेयर तो किया था और बहुत सारे बच्चों ने किया था तो उन सबको ढूंढवा के एक बार से कंपाइल कराना पड़ेगा तो थोड़ा समय दीजिए हाँ जी बताएं क्या है चौदह दिसंबर क्या हो जाएगा चौदह दिसंबर को अगला गमो चा या गमो सा इसको जीआई टैग दिया गया है बहुत ठंड है अच्छा हमें <laughs> लगा कि अभी समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं बताओ आसाम एग्जैक्टली exactly. क्या होगा आसाम होगा बेटा जुडीमा राइस समझ रहे हो जुडेमा राइस तो जुडीमा राइस को भी जीआई टैग कहाँ पे मिला है आसाम के अंदर ही दिया गया नेक्स्ट पे आएगा एथ एडिशन ऑफ इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इसका आयोजन कहां पे किया जाएगा इसका आयोजन अगले साल होना है तेईस में होना है कहां पे किया जाएगा यह होगा भोपाल के अंदर कहां पर भोपाल के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा 2023 जनवरी में नेक्स्ट है महाकवि सुब्रमण्यम जी का स्टैचू अभी हाल ही में अनवील किया गया है आपसे कहा जा रहा है कि किसके द्वारा ये स्टैचू कहाँ पे लगाया गया है वाराणसी के अंदर लगाया गया है पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि किसने इसको अनवील किया है तो ये हो जाएंगे एम के कौन है एम के के द्वारा इसको अनवील किया गया है अगला इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद एक्सरसाइज होती है क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कहाँ पे इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया आपको बता दें कि एडिशन सूर्य किरण एक्सरसाइज का कहां चल रहा है? नेपाल के अंदर चल रहा है और यहाँ पे काजिंद पूछा जा रहा है तो ये कहाँ मिलेगा मेघालय के अंदर उमरोई नाम की जो जगह है वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है नेक्स्ट चलो इनमें से कौन से व्यक्ति कौन से पर्सनालिटी ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में कहा स्पेसिप की सहायता से चंदा मामा के चारों तरफ चक्कर लगाया है बाल वीर उसके नाम में ही भी वीर है है ना कौन है बाल वीर दैट इज देव जोशी कौन है देव जोशी जो कि अभी हाल ही में गए थे और इसको बनाया गया था किसके द्वारा स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट सेवेंथ एडिशन तीन दिनों का कहां पर हुआ बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आज की पीरियड इसका आंसर बनेगा दिल्ली कहां पर दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है अगला नेशनल सेंटर फॉर द गुड गवर्नेंस कहाँ पे बनाया गया तो ये दिल्ली के अंदर है कब बनाया गया था ये तो 2014 में इसको बनाया गया था 25 तारीख आ ही रही है गुड गवर्नेंस डे जो है आ ही रहा है साथ में क्रिसमस डे भी आ रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे भी आ रहा है क्रिसमस डे आता है तो फिर गिफ्ट की बहार अभी आती होगी मतलब देखो लड़कों को तो बहुत कमी रेयर केसेस में गिफ्ट मिलते हैं मतलब लड़कियों को तो तब भी मिलते हैं उनका अपना अलग ही स्वैग होता है ना <laughs> कि क्रिसमस डे हो होली हो दिवाली हो और बाकी तो एक महोत्सव ही होता है <laughs> है ना तो क्रिसमस डे भी आ रहा है कहीं पे भी आज आच... मतलब कल जब हम गए तो हर जगह पे पूरा डेकोरेशन सब चल रहा है क्रिसमस का चलिए यहाँ पे होगा क्या कि मालदीव्स और बांग्लादेश के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी अगला क्या है उना कोटी अंकोरबाट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पर लोकेटेड है? अभी बोला जा रहा है कि इसको क्या किया जाएगा यूनेस्को की लिस्ट में रखा जाएगा यह आपको त्रिपुरा के अंदर मिलेगा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोरबाट टेम्पल है कहाँ पे कंबोडिया के अंदर कहाँ है कंबोडिया के अंदर अच्छा हाँ तंदूर रेड ग्राम ये दाल कहाँ की है ये दाल है तेलंगाना की और इसको जीआई टैग दे दिया गया है इसको जीआई टैग दे दिया गया है अगला फोर्थ टेनिस प्रीमियर लीग अभी हाल ही में किसने जीती mm -hmm. किसने जीती इसका आंसर होगा हैदराबाद स्ट्राइकर्स कौन हारा है यहां पे? तो मुंबई लियोन आर्मी जो है उनको हार का सामना करना पड़ा नेक्स्ट तीसरे क्रिकेटर जिन्होंने टेन थाउजेंड टेस्ट रन कंप्लीट किए हैं तीसरे क्रिकेटर और साथ में पचास से ज्यादा विकेट भी साथ में पचास से ज्यादा विकेट भी कौन हो जाएंगे रूट यानी कि जॉय रूट इज द करेक्ट आंसर चले अब यहां से जरा देखना शुरू करिएगा वन लाइनर क्या है पहला हो जाएगा यहाँ पे नवंबर मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला सिद्रा अमीन जो कि पाकिस्तान की खिलाड़ी है मेल की कैटेगरी में किसको मिला है जॉस बटलर को मिला है जिन्होंने इस बार के आईपीएल के अंदर धमाल मचा के रखा हुआ था अगली न्यूज है यहाँ पे जुड़ी हुई किसके साथ में गोवा के साथ में गोवा के, के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसे लॉन्च किया गया जिसका नाम है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां पर यह गोवा के अंदर लॉन्च किया गया है नेक्स्ट पे आइएगा अगला नाम है ईशान किशन अगला नाम है ईशान किशन ईशान किशन की अगर हम बात करें तो ये क्या बन गए फोर्थ इंडियन बन गए हैं जिन्होंने डबल हंड्रेड लगाई है ओडीआई में क्या की है डबल हंड्रेड लगाई है ओडीआई में लेकिन इन्होंने फास्टेस्ट ये क्या है फास्टेस्ट है वैसे अगर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा का नाम आपको ऊपर नजर आ रहा है लेकिन ये क्या है फास्टेस्ट है ओके नेक्स्ट चीकू भैया के फैंस जी बताइए फैंस के बारे में क्या ही कहना है तो 72 इंटरनेशनल सेंचुरी जो है वो इनकी पूरी हो चुकी हैं और ऐसा करने वाले यहां पर आप देख सकते हैं ये दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए मतलब सबसे ज्यादा सेंचुरी सचिन तेंदुलकर दूसरे नंबर पे विराट कोहली तीसरे नंबर पे कौन है रिकी पोन्टिंग कौन है रिकी पॉन्टिंग है ठीक चलो नेक्स्ट अगला जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था एटीपी का फेवरेट प्लेयर एटीपी का फेवरेट प्लेयर यानी कि टेनिस के अंदर टेनिस एसोसिएशन के अंदर तो ये अवार्ड जो है फेवरेट प्लेयर का वो किसको दिया गया वो दिया गया नेडाल को किसको दिया गया नेडाल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया पहली बार इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ठीक तो ये था अपना आज का सेशन अब यहाँ पे आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कल काफी सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी तो मैं उस चीज को रिजोल्व कर दूं अब आप में से जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको मेन्स की तैयारी करनी है ध्यान से तो सुनना जिनको मेंस की तैयारी करनी है तो आपके लिए नाइनटी नाइन रुपीज में रिकॉर्डेड क्लासेस का जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है जिसके अंदर अभी आपको हिस्ट्री नजर आ रही होगी और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी अभी इस वाले वीक में ऐड हो जाएंगे मतलब ये जो बैच है ये आपके सिक्स मंथ का बैच है आप चाहो तो दो महीने में खत्म कर लो चाहो तो एक महीने में वो आपकी मर्जी है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे ऑल दी सब्जेक्ट ठीक कितने का है ट्रिपल नाइन का आपको ये बैच मिल रहा है अभी क्लास के बाद इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ इस पे आपको मिलेगा टेन परसेंट डिस्काउंट कोड विल बी प्रति टेन राइट और दूसरा जो बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ जीएस पढ़नी है सिर्फ जीएस पढ़नी है अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिलिम्स के लिए भी और मेन्स के लिए भी तो उनके लिए बैच स्टार्ट होने जा रहा है बाईस तारीख से ओनली फॉर जीएस ओनली फॉर जीएस यहाँ पे भी आपको जो कोड यूज करना है वो क्या है प्रति टेन इसका भी लिंक मैं भी आपको शेयर कर रही हूं इतने में और इसके ऊपर भी क्या मिलेगा टेन परसेंट डिस्काउंट तो मैंने आपको बोला था हजार रुपए बचा लेना एक मूवी देखने जाते हो हजार रुपए ऐसे ही उड़ा के आते हो मान लेना कि चार बार तुमने बर्गर खाया है वो पैसे तुम बचा लो और तुम्हारे पास में अभी मौका है आप यहां पे पढ़ सकते हो ठीक क्योंकि आप देखो मेन्स हो चाहे प्रिलिम्स हो दोनों में जीएस का वेटेज आपको मिलेगा यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी यहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी तो जिनका मेन्स है वो इसके साथ में चले जाए जिनको प्रिलिम्स एंड मेन्स दोनों देना है वो इसके साथ में जाएंगे ठीक और जिनको सब पढ़ना है इंग्लिश जीएस मैथ और रीजनिंग वो इसके साथ में जाएंगे इसका अमाउंट सिक्स थाउजेंड समथिंग है ठीक है ये को सिक्स थाउजेंड समथिंग है ठीक चलो अच्छा तो ये तो बातें हो गई यहाँ पे इसके बारे में ये है टेलीग्राम अभी मैं यहाँ पे लिंक आपको शेयर कर रही हूँ सही से देख के ज्वाइन किया करो यहाँ कोई डीपी वीपी कुछ नहीं है ये रहा लिंक जहाँ पे आपको ज्वाइन करना है प्लस सब्सक्रिप्शन बता दिया टेंट अब आपसे मुलाकात करेंगे कितने बजे शाम को चार बजे छह महीने के करंट अफेयर का पार्ट नंबर टू ऑनलाइन मिलते हैं आप लोगों से टिल दें खुश रहिए मुस्कुराते रहिए कीप लर्निंग कीप रिवाइजिंग जिनका आज पेपर है पेपर देकर आइए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू शेयर द क्वेश्चन विद मी सवाल मेरे साथ में जरूर से शेयर करिएगा टेलीग्राम पे ठीक है टिल देन टेक केयर